जय हिंद मित्रों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के माची थाना अंतर्गत केवटम में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच आपस में विवाद हुआ। विवाद क्या था और उसके बाद कौन सी स्थिति बनी और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, संदर्भ में हम सोनभद्र के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री वेद व्यास जी से हम करने जा रहे हैं। आदरणीय वेद व्यास जी, हमें बताएं कि संदर्भ क्या था और किस प्रकार की घटना घटी, कैसे हुई। हाँ सुबह जी, प्रणाम जी। जी देखिए, नगवा ब्लॉक पूरा पहाड़ी क्षेत्र है जी, और अधिकांश गांव जंगलों में निवास करते हैं जी। जी ये मामला केवटम का है जी। जी एक तेजन खरवार है, उनका जंगल के किनारे घर है जी। जी और तेजन खरवार एक तरफ घर है, दूसरे तरफ अपनी भैंस बांध करके दूह रहे थे जी। जी उसी समय ये रामगढ़ के रेंजर सत्येंद्र कुमार जी। जी और वो राजेंद्र शर्मा जी, उनके साथ कुछ वनकर्मी वहाँ पहुँचे जी। जी कहीं ये जंगल की जमीन है, तुम यहाँ भैंस कैसे बांधे हो जी। जी तो तेजन ने कहा कि सर, हम तो 20 वर्षों से यहाँ घर हमारा है, हम यहाँ 20 वर्षों से भैंस वैंस बांधते हैं जी। जी इसी में जो है कि गाली गुप्ता देते हुए उनको दसों लाठी पीट दिए वनकर्मी जी, जिसको देख करके ग्रामीण आक्रोशित हो गए जी। जी और ये मामला आपको बता दें कि वहाँ के वनकर्मी जितने हैं, किसी की पशु पाते हैं पकड़ कर केवटम एक फारिस चौकी है जी, वहाँ ले जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद पैसा वसूली करते हैं जी। आदिवासियों को विभिन्न ढंगों से वो लोग प्रताड़ित करते हैं जी। जी इसी में जो है कि जब तेजन को मार दिए सब, इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए, कुछ महिलाएं आई सामने तो महिलाएं भी पीट दी गई जी। तो ग्रामीण जो है कि जाके केवटम चौकी का घेराव किए जी। जी वहाँ घेराव करने में दो लड़कियां थी गांव की, वो भी थी, उनको भी रूम में बंद कर लिए सब अपने बचने के लिए। और ग्रामीणों ने जो है कि वहाँ जो ईट पत्थर चालू कर दिया, फिर ये लोग वनकर्मी लाठी चार्ज किए, फायरिंग भी किए जी। हाँ उसमें कई महिलाएं पीटी गई हैं, कई लोग पीटे गए हैं जी। जी और पुलिस भी पहुंची तो एक तरफा अपने वन विभाग के तरफ से जो है कि उन्होंने कार्रवाई किया है जी। और उसमें ये है कि जो आदिवासी मारे गए हैं जी। जी उनकी तहरीर भी नहीं ली गई। माची का जो इंस्पेक्टर, माची के इंस्पेक्टर है विनोद सोनकर जी। जी वो एकदम से भ्रष्टाचारी हैं, यहाँ रायपुर भी रहे हैं, यहाँ से लाइन हाजिर भ्रष्टाचार के आरोप में लाइन हाजिर गए थे यहाँ से, और माची में है, उनको वसूली मेन मुद्दा है उनका, कहीं से पैसा मिले वहाँ उनके से त्रस्त हैं। उन्होंने भी एक तरफा कार्रवाई उसमें किया, ग्रामीणों की एप्लीकेशन को नहीं लिया और वन विभाग के तरफ से मिल करके विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किए। जबकि सीओ साहब गए थे, ग्रामीणों का भी बयान लिए और वनकर्मियों का बयान लिए मौके पर, तो कई थानों की फोर्स और पीएससी पहुंच गई थी जी। जी लेकिन आदिवासियों को कोई उसमें न्याय नहीं मिला जी। जी हाँ तो जंगल की स्थिति बड़ा भयावह, वन विभाग जो है कि तमाम तरह से प्रताड़ित करता है, इससे आदिवासी आक्रोशित हैं। और अब तो बुरी स्थिति हो रही है कि आदिवासी अब लाम बंद होकर के अब आंदोलन, बड़े आंदोलन के मूड में हो गए हैं। तो आदरणीय वेद व्यास जी, यहाँ जो सबसे गंभीर सवाल है, हम अपने दर्शकों को बता दूं, चाहे वो विदेश में है या देश में है, सोनभद्र जनपद उग्रवाद की चपेट में रहा है, जिसे शासन प्रशासन के लोग नक्सलवाद के नाम से, उग्रवाद नक्सलवाद तो इसी वजह से न पनपा कि जब आदिवासियों का उत्पीड़न हुआ जी। हाँ तो अधिकांश आदिवासी नक्सली बने जी। जी इसी तरह की जो है कि समस्याएं उन लोगों के बीच थी, कहीं सामंतवादियों की जी, तो जी। कहीं पुलिस की तो कहीं वन विभाग की जी, कहीं गांव में जो बड़े लोग हैं उनके हथों से, भय से, उनके प्रताड़ना से ये नक्सलवाद पैदा हुआ था। किसी तरह से नक्सलवाद समाप्त हुआ लेकिन फिर वही अत्याचार शुरू हो गया है।
वेद व्यास जी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और यहाँ के जो मूल रहने वाले लोग हैं हाँ। वे लोग भी इस बात को जानते हैं कि नक्सलवाद वास्तव में एक विचारधारा के रूप में जब कभी भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होता है, उत्पीड़न होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हाँ हाँ। और हमें लगता है कि इसके पहले आपको ध्यान है कि रघुवीर लाल जी पुलिस के कप्तान थे सोनभद्र के, उनके समय में बहुत सारी चीजें पहल की गई जिसके वजह से नक्सलवाद काफी हद तक नियंत्रित हुआ और उन्हीं के पदचिन्हों पर बाद के जो कप्तान थे वे भी चले धीरे धीरे। लेकिन मुझे लगता है कि जिन वजहों से नक्सलवाद पनपा था लगभग लगभग वे जितने मसले हैं फिर से यहाँ पर सिर उठाना शुरू कर दिए। देखिए बीच में जितने रघुवीर लाल के बाद एक दो एसपी आए जी जी उन्होंने उनके पद चिन्हों पर चला जी 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 और जो संबंधित स्पेशल अफसर थे सबके ऊपर नकेल लगी जी जी। कि जो है कि किसी प्रकार का किसी का उत्पीड़न न हो, किसी के साथ अन्याय न हो जी जी। लेकिन इधर हम देख रहे हैं करीब तीन चार जो पुलिस अधीक्षक आए जी जी तब से कोई कमांड नहीं रह गया है और जो सामंतवादी हैं, जो उस टाइप के समाज के दूषित तत्व हैं जी जी चाहे वो वन विभाग हो, पुलिस विभाग हो, इस समय भ्रष्टाचार के अकंठ में डूब गया है और आदिवासियों का उत्पीड़न जोर शोर से हो रहा है और वही आदिवासी अब अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो आदिवासियों का ये जो केवटम की घटना हुई है जी, इस घटना से इतने आदिवासी मरमाहत हो गए हैं कि जो अपने दरवाजे में भैंस दूह रहा है जी, उसको बीसों लाठी पीटने की क्या जरूरत थी। और एक सीधी सी बात हम सभी जानते हैं, जो लोग भी ये अपने को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनकी बात तो दिगर है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं कि कानून तो किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो वन विभाग के लोग हो, पुलिस के लोग हो या आम जनता हो। तो पहल तो ये कानून अपने हाथ में लेने की पहल तो वन विभाग ने किया है यहाँ ना। बस बस यही बात हम करना चाहते हैं कि वे गलत थे सही थे बात का विषय था, लेकिन किसी को लाठी से मारना वो भी 70 साल का वृद्ध है, 65-70 साल के है तेजन। इसके पहले भी कानून में बहुत सारी प्रक्रिया है जिसके तहत उन्हें नोटिस दी जा सकती थी, जवाब तलब किया जा सकता था, सूचना दी जा सकती थी, उनको बुला करके बातचीत किया जा सकता था, लेकिन मौके पर जा करके बल प्रयोग करना अनावश्यक, आवश्यक नहीं, अनावश्यक बल प्रयोग करना, तो ये तो सीधे सीधे मानवाधिकार का उल्लंघन है ना। निश्चित निश्चित मानवाधिकार का उल्लंघन है, मानवाधिकार में किसी को मारने के लिए पावर थोड़ी ना दिया गया है। नहीं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए। जी 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 कानूनी कार्रवाई, लेकिन इस तरह से वो भी एक वृद्ध के ऊपर, वृद्ध के ऊपर नौजवान होता तो ये होता कि नौजवान इनसे कुछ कहा होगा, कोई बात हुई होगी, विवाद हुआ होगा जी जी, लेकिन जी। एक वृद्ध 65-70 साल का वृद्ध जी 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 और वो भी जात का आदिवासी खरवार अनपढ़ है आदमी जी जी जी, वो भैंस दूह रहा है, उसकी पिटाई हो रही है, तो कहाँ का न्याय है। जी जी नहीं, ये तो हम चूंकि हमारी आपकी जो बात हो रही है अमूमन इधर करीब पिछले 2-3 वर्षों से जो लगातार फिर से जंगल में एक तरह से कहा जाए कि जंगल राज होता जा रहा है। हाँ, जंगल में जंगल राज हो रहा है, जंगल राज हो रहा है।